हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फैजाबाद धरने से इमलाक का बड़ा नुकसान, तफसीलात सामने आने लगी। जलाई गई गाड़ियां उठाने का काम जारी, मेट्रो स्टेशन का खुदकार जीना भी तबाह, बुजुर्ग शहरी सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर। लाहौर वालों की धरने वालों से जान अब तक ना छूटी, पंजाब असेंबली के सामने धरना आज भी जारी। राणा सनाउल्ला से मुस्ताफी होने का मुतालिबा, सूबे की तालीमी इदारों में तदरीस आज। नवाज शरीफ का धरने के मामले पर एहसन इकबाल की कारकर्दगी पर इजहारे आदम इत्मीनान, कहा धरने को दुरुस्त अंदाज में हैंडल नहीं किया गया। फैजाबाद धरने से दुनिया में मनफी पैगाम गया, इस मामले पर पीपल्स पार्टी परेशान है। खुर्शीद शाह का मौके फरकान पार्लियामेंट के हलफनामे में तब्दीली साजिश का नतीजा थी, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की तनकीद। सुप्रीम कोर्ट में हुदैबिया रेफरेंस खोलने के लिए नैब अपील पर समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी, तमाम तफसीलात कब तक जमा करा देंगे जस्टिस मुशीर आलम का इस्तफसार। 4 हफ्ते चाहिए, नैब के वकील इमरान उल हक का जवाब, जो काम आज नहीं हुआ वो 4 हफ्तों में भी नहीं होगा, 4 हफ्ते का वक्त बहुत ज्यादा है, जजेस के रिमार्क्स। हुदैबिया केस का पानामा केस से गहरा ताल्लुक है, हुदैबिया केस में असल मनी ट्रेल है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, नैब पर केस कमजोर करने की कोशिश का इल्जाम भी। नईम उल हक कहते हैं मौजूदा हुकूमत दम तोड़ चुकी, नून लीग में दरारें सबको नजर आ रही हैं। एहतसाब अदालत में मुलजिमान पेश, मगर वकील नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। कराची में शाहजेब कत्ल केस में नया मोड़, मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई और दीगर 3 मुलजमान की सजाए मौत का कलदम, सिंध हाईकोर्ट ने मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। केस अस्तर-ए-नौ समाअत के लिए सेशन कोर्ट भेज दिया गया, 25 दिसंबर 2012 को शाहजेब को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। पसंद की शादी करने वाले जोड़े के कत्ल की मंसूबाबंदी कैसे की, 9 गिरफ्तार मुलजिमान ने पुलिस के सामने जबान खोल दी। 22 नवंबर को लड़की के बाप ने दोनों का पता चलने की इत्तला दी, कत्ल करके मकान को ताला लगा दिया। फैसलाबाद के थाना नौजवान की हलाकत का मामला आज न्यूज के उठाने पर कार्रवाई, इंस्पेक्टर समेत 5 एहलकार मौतल, सीपीओ का मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सियालकोट में गैपको ऑफिस के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग, ड्यूटी पर मामूर सब इंस्पेक्टर इमदाद हुसैन जा बहा। बलूचिस्तान के इलाके विंदर में कोस्ट गार्ड्स ने ईरानी तेल स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी, 3,540 लीटर ऑयल जब्त कर लिया गया।